असलम स्टूडेंट्स आई एम जुबिया महमूद टूडे वी विल टॉक अबाउट द एल्काइंस द थर्ड मेम्बर ऑफ हाइड्रोकार्बन फैमिली कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बोंड दीज आर द अनसेचुरेटिड हाइड्रोकारबन् हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन दैम द जनरल फार्मूला इज सी एन एच टू एन माइनस टू यानि इस में प्लस टू की एल्केन्स में प्लस टू होगा यहां पर माइनस टू हो जाता है और कॉरसपॉन्डिंग एलकी, की नस्बत इसमें दो हाइड्रोजन्स मजीद कम हो जाते हैं कार्बन और कार्बन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी कार्बन के साथ ठीक है ना ईच कार्बन हैज टू मेक फोर बॉन्ड्स इन टोटल तो यहां पर जब तीन कार्बन और कार्बन के बन जाएंगे आपस में तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक ही बॉन्ड बाकी बचेगा लुक एट दीज कॉरस्पोंडिंग एल्केन्स एंड एल्कीन्स ये दो कार्बन वाला एल्केन है जिसमें तीन हाइड्रोजनस हैं हर कार्बन के साथ इथेन में इथीन इसमें हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन्स हैं और इथाइन यानी एल्काइन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है तो इसका फर्स्ट मेंबर हुआ दो कार्बन वाला इथाइन जिसको कॉमनली हम एसिटिलीन कहते हैं और इसका जर्नल फॉर्मूला है सी एन एच टू एन माइनस टू यानी सी टू एच टू नाउ वी विल सी द जर्नल मैथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एलकाइन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायलाइड्स हमने यहां सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन या सेचूरेटेड कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना है कार्बन और कार्बन के बॉन्ड आपस में ज्यादा हो जाएं और कार्बन के बॉन्ड जो दूसरे एलिमेंट्स के और ग्रुप्स के साथ हैं उनको खत्म करना है विस्नल डाई बोलते हैं ऐसे हेलोजन हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जहां पर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम मौजूद हो ठीक है ना हमने इसको पहले देखा है विसिनल डाई को जब हम स्ट्रांग बेस के साथ यानी ये अल्कोहल की मौजूदगी में आ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आ, इसको डाईहेलाइड को रिएक्ट करवाएं तो वहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हेलाइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा ठीक है ये जनरल रिएक्शन है आर स्टैंड फॉर एनी एल्काइल ग्रुप इसी में अगर आप देखें कि आर की जगह हाइड्रोजन ही हो तो अल्कोहलिक के की मौजूदगी में पहले एक कार्बन का हाइड्रोजन और एडजेसेंट कार्बन का ब्रोमो ग्रुप मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्म में रिमूव होंगे और कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर दूसरे कार्बन का ब्रोमो और उसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस तरह से इन्हीं कंडीशंस में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा लेकिन दूसरा जो ये बनेगा बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड जो बनेगा उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर होंगी यानी ये हार्डली रिमूव होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल तो इसमें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है हाइड्रोजन और हेलोजन एटम रिमूव होंगे दो साथ साथ वाले कार्बन से थे तीन मेथड के हम लैब में एल्कीन या इथाइन कैसे प्रिपेयर करेंगे ये तमाम एल्कीन्स के लिए मेथड यूज हो सकता है हम इसको जर्नली यहाँ देख रहे हैं इथीन के लिए इथाइन के लिए या एसीटिलीन के लिए Uh, अब हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपने एल्केन्स और की नहीं पढ़ी इथाइन और या एसिटेलिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ऑक्सी एसिटलिन फ्लेम जो है वो वेल्डिंग और कटिंग में इस्तेमाल होता है वर्ल्ड वाइड इसलिए ये इथाइन गैस जो है इंडस्ट्रियल स्केल पर यानी लार्जर स्केल पर बनाई जाती है तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस प्रोसेस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन बाई फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड सेकेंड मैथड है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड टेट्रा हेलाइड मीन्स कार्बन एडजस्टेंट कार्बन कंटेन फोर हेलोजन एटम टेट्रा हेलो एलकेस को जब हम एक्टिव मेटल जिनके ऊपर जो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल हों वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ फॉरन रिएक्ट करेंगे यहाँ पर जैसे जिंक है मैग्नीशियम है ये एक्टिव मेटल कहलाते हैं सोडियम भी हो सकता है लेकिन सोडियम बहुत एक्सप्लोसिव है तो जिंक और मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हुए हम टेट्रा हेलाइड्स यहाँ देखें आप ये ब्रोमो ग्रुप फोर हैं एक कार्बन पर दो हैं तो दूसरे कार्बन के साथ मिला के ये टोटल चार बन जाएंगे जिंक के साथ इनको ट्रीट करेंगे तो एक कार्बन से ब्रोमो ग्रुप और दूसरे कार्बन से भी ब्रोमो ग्रुप निकलेगा दोनों कार्बन का बॉन्ड खत्म होगा और जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर दूसरे दो ब्रोमाइड एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वी गेट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन ठीक है ना ये है डी हेलोजिनेशन वो था डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ये है डी हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोलिस ऑफ अनसे मैथड है जो हम एल्के लिए भी पढ़ चुके हैं यहां पर क्या डिफरेंस होगा वी हैव टू टेक द अनसेचुरेटेड डायकार्बोक्सुलिक एसिड और फिर उसको सोल्ट में चेंज करेंगे बेस के साथ मिक्स करके और इस सॉल्ट का हम जब एक्विज सोल्यूशन लेकर उसमें से करंट पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ऑक्सीडेशन uh, और रिडक्शन के थ्रू हमें देंगे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी एसिटिलीन यहाँ जो हमारा कंपाउंड है आप यहाँ देख रहे हो कि पहले से ही दो कार्बनस के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है इसीलिए हमने इसको कहा दिस इज द सॉल्ट ऑफ अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है ना अनसेचुरेटेड सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं सोडियम और पोटाशियम लगने से ये सॉल्ट बन गया और ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है ये आयनाइज हुआ इनटू कैटाइन एंड एनाइन uh, में और एनोड के ऊपर क्या होगी हमेशा की तरह ऑक्सीडेशन और इस ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा और फ्री रेडिकल बन जाएगा ये दिस इज द साइन ऑफ फ्री रेडिकल आफ्टर द रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ये टू इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होते ही एक्टिव फ्री रेडिकल फॉरन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और यहां से ये दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पर कार्बन और कार्बन का एक और बॉन्ड बन जाएगा पहले से डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड और बन जाएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया इथाइन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और कैथोड पर प्रोसेस होगा रिडक्शन का और रिडक्शन के नतीजे में दो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब होंगे पोटाशियम में और ये बन जाएगा पोटाशियम एटॉमिक फॉर्म में जो कि वाटर के साथ मिलकर बनाएगा पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ये कॉब्स मेथड हम देख चुके हैं आप इसको कंपैरिजन में याद करेंगे एल्केन्स के लिए और एल्केन्स के लिए था कि हमने सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेना था और एल्की के लिए सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पर हमने सॉल्ट ऑफ अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हुए हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बाइड से देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड पहले कैसे प्रिपेयर किया जाएगा कैल्शियम कार्बाइड इज सी ए सी टू कैल्शियम की वलेंसी प्लस uh, टू है तो इसके साथ दो कार्बन अटैच होंगे इसका ये स्ट्रक्चर होगा कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और दोनों कार्बनस कैल्शियम के साथ अटैच होंगे कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन यानी लाइम और कोक को मिक्स करके हाई uh, टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक फर्नेस में यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा इलेक्ट्रिक फर्नेस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हम एक साइड से कैल्शियम ऑक्साइड एंटर करेंगे और दूसरे साइड से कार्बन इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ये कैल्शियम कार्बन आ, कार्बाइड और कार्बन मोनो ऑक्साइड बन जाएगा कैल्शियम कार्बाइड को जैसे ही हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इसको मॉइस्चर देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लिक्विड और एसिटिलीन गैस में चेंज हो जाएगा यानी इसमें से बहुत ये एक, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन है कैल्शियम कार्ब कैल्शियम हाइड्रो बनेगा और एसिटिलीन गैस इसमें से रिलीज होगी जिसको हम सिलेंडर्स में फिल कर लेंगे बर्थलॉट प्रोसेस जो है वो कार्बन डायरेक्ट गैसेस जो है कार्बन और हाइड्रोजन के ट्रीटमेंट से होगा और इससे कार्बन और हाइड्रोजन को ट्रीट करके हम यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में एसिटिलीन नाउ वी विल सी द फिजिकल अब हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिटिलीन की या एल्काइंस की भी आ जाएंगी तमाम इसमें और एसिटिलीन जो है इसके समेत पहले दो मेंबर्स इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन ये गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पर अच्छा अब ये कलरलेस कंपाउंड्स होंगे एल्काइंस ये कलरलेस हैं और डोरलेस हैं सिवाय एसिटिलीन के जिसकी के लेसन जैसी ऑडोर होगी जहां पर भी एसिटिलीन गैस अगर कभी आपको मौका मिले कि वेल्डिंग हो रही हो तो आप देखें कि जो कंपाउंड यूज हो रहा है ऑक्सीऐसेटलीन फ्लेम वहां पर थोड़ी लेसन जैसी स्मेल होगी ठीक है और कलर लेस है कोई कलर नहीं होता इनका और ऑडोरलेस है इनकी कोई स्मेल नहीं होती सिवाय एसिटिलीन के जिसकी गार्लिक लाइक ऑर्डोर है पहले तीन मेंबर्स रूम टेम्परेचर पर गैसेस हैं उसके बाद एट मेंबर्स जो हैं C5 से C12 ये लिक्विड्स हैं और तमाम नेक्स्ट C12 से ऊपर C13 से लेकर आगे जितने भी एल्काइंस हैं ये सब कलरलेस और डोरलेस सॉलिड्स होंगे जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज इनकी इंक्रीज होंगी

सॉल्वेंट्स, जैसे कि ईथर है बेंजीन है कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें ये रेडिली सॉलेबल हो जाएंगे यू नो द फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिजोल्व लाइक यानी नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर लिक्विड एंड द पोलर कंपाउंड्स दे विल बी सॉलेबल इन द पोलर लिक्विड्स तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस की तो आपने याद रखना है कि केमिकल रिएक्टिविटी लाइज बिटवीन एल्केन्स एंड एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एल्कीन्स डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स और उसके बाद रिएक्टिविटी आती है एल्काइन्स की और फिर सबसे कम रिएक्टिविटी है एल्केन्स की ठीक है ना आपने ये पॉइंट याद रखना है इसमें कि मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स में सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव में सबसे पहले आएंगे एलकींस जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसके बाद एल्काइन्स और उसके बाद सबसे कम रिएक्टिव है एल्केन्स ठीक है ना अच्छा ऐसा क्यों है एल्काइंस की रिएक्टिविटी क्यों कम है हालांकि इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है जिसमें से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो सबसे पहला बॉन्ड होगा वो है सिग्मा बॉन्ड उसके बाद इसमें है दो पाए बॉन्ड पाए वन एंड पाए टू यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड एक्सप्लेन होगा बाय एसपी पी जहां पर एक एस और एक पी मिलकर बनाएंगे दो एस पी एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ठीक है ना और बाकी जो दो पी होंगे दे विल रिमेन अगर ये आप इसको कहते हैं ये पी एक्स है ठीक है ना ये इन्वॉल्व हो गया है हाइब्रिडाइजेशन में और पी वाई और पी जेड जो है दे विल रिमेन अनहाइब्रिड और अनहाइब्रिड जो हमारे पास पी बच जाएंगे ये हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बन गया सिग्मा बॉन्ड और ये जो एस पी हाइब्रिड है हाइब्रिड और हाइब्रिड दोनों में होगा वन एटी डिग्री का एंगल ठीक है ना और ये जो अन हाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं ये होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड और इनके ओवरलैप से अनहाइब्रिड के ओवरलैप से हमारे पास बनेंगे बनेंगे दो पाई बॉन्ड ये पाई वन और ये पाई टू अब बच्चों ये है कि जैसे ही कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो ये एक कैंडी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो इसके साथ अटैच ग्रुप हैं अगर ये हाइड्रोजन है ये जरा लूजली हेल्ड होंगे और कार्बन और कार्बन का जो आपस का बॉन्ड है ये शॉर्ट लेंथ हो जाएगा और इसमें हमें एम्बेडेड मिलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो रिएक्टिव होंगे ही नहीं यहाँ पर बल्कि यहाँ जो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इजीली अवेलेबल नहीं होंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए कार्बन आइटम्स दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्री बॉन्ड्स और लेस एक्सपोज हो जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए लेकिन इसके साथ साथ ये होगा कि कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई वो ज़्यादा करीब आ गए और इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं देंगे अपने ज्यादा क्लोज होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन एक्सपोज नहीं होंगे एल्किन्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो हैं वो ज़्यादा जल्दी हो सकता है पॉसिबल है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है उसको ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर होंगी ज़्यादा हार्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन को लेगा यानी उसके ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर हैं। लेकिन साथ साथ इसका यह फायदा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो इजी हो जाएगा ऑन द हाइड्रोजन अटैक अटैच टू द हाइड्रोजन अटैच टू द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर आ जाएगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज ठीक है ये जो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है अगर यहाँ देखें कोई दूसरा ग्रुप है और सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो टर्मिनल एल्काइन इनको बोलते हैं इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हो गया दो कार्बन के दरम्यान में और ये न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स वो स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं इन हाइड्रोजन्स पर रेडिली अटैक करेंगे और इन हाइड्रोजन्स को एसिडिक होने की वजह से इजी ये हाइड्रोजन जो हैं इजीली अटैकेबल हैं बाय द न्यूक्लियोफाइल्स जिसकी वजह से टर्मिनल एल्काइंस और एसिटिलीन्स दे प्रोजेस द एसिडिक करेक्टर एसिड्स वही होते हैं ना जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन इजीली दे सकें तो यहां पर हमारे पास ये इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन्स हैं जिसकी वजह से एल्काइंस यानी टर्मिनल एल्काइंस जिनके पास एक हाइड्रोजन हो या एसिटिलीन जिसके पास दो हाइड्रोजन्स हैं दे हैव द एसिडिक नेचर एंड देव द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस डैट्स इट एंड नेक्स्ट वी विल सी द reactions of alkynes with other uh, oxidizing reducing and other reagents